मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, बताइए चल क्या रहा है। पहले 70s की अगर आपने बात की है तो 70s में ऐसा हुआ करता था कि एक छत के नीचे दिलीप साहब भी है, अमिताभ बच्चन भी है, प्राण भी है, ये भी है, वो भी है, क्योंकि उनमें घट्स हुआ करता था 70s 80s के जो स्टार हुआ करते थे। तो आप देख लो उनकी फिल्में पूरी मल्टी स्टार है, 10-10, 15-15 स्टार एक ही फिल्म में। कोई डाकू भी है तो डाकू का चेला भी एक नंबर का विलन रहता है वो। अगर आप देख लो प्राण साहब है, शक्ति कपूर है और गुलशन ग्रोवर, एक सारे विलन एक ही फ्रेम में आजकल दिखता आपको? तो तब शोर शराबा ज़्यादा हुआ करता था, आजकल ये हिंदुस्तान के सारे टिकटॉकर एक जगह पे जमा हुए हैं पहली बार। वाओ, तो इसीलिए ये इतना शोर शराबा हो रहा है। आपने टिकटॉकर से कंपेयर कर दिया विलन के साथ? विलन के नहीं, पूरे 70s और 80s के एक्टरों के साथ कर लिया, पूरे कंप्लीट एक्टरों के साथ कर लिया। और हमें पता लगा है कि इन सबको एक छत के नीचे लाने का कारण आप ही हैं, कास्टिंग डायरेक्टर आप ही हैं। कास्टिंग करने के लिए कितनी मुश्किल रही, कितना आसान रहा, कैसे आपने किया? अरे भाई इस चीज़ में कास्टिंग करना मतलब इतना मुश्किल कि आदमी किसी भी बड़ी फिल्म में एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार को मैनेज करना होता है, तीन सेलिब्रिटी को, चार सेलिब्रिटी को। तो यहाँ पे तो हर कोई सेलिब्रिटी है, आप देखो 30 की 30 सेलिब्रिटी, तो आदमी ये कास्टिंग डायरेक्टर कितना इसमें मुश्किल होगी। बस पहली बात तो क्या है, आपको किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करना है तो उस आर्टिस्ट से दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उस आर्टिस्ट के दोस्त नहीं बन सकते तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, वरना एक साथ 30 आर्टिस्ट को मैनेज करके बताए कोई? अल्हम्दुलिल्लाह पूछ लो, अब यहाँ पे चार खड़े हुए। और ये कहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, इनसे भी पूछ लो कुछ सवाल। ये हमारे सामी कामरा है, ये हमारे समीर माग है, ये हमारे पंकज है, ये हमारे दिव्या है। अभी कुछ भी रिवील करने के लिए नहीं बोला हम लोगों को शो। हाँ, कभी कुछ भी रिवील करने के लिए नहीं बोला हम लोगों को। हाँ, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी तक नहीं देखा होगा। लाइक रूमर हो रहा है कि ये बिग बॉस जैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा यूनिक है। और सबसे मेन पार्ट जो बोला जाता है वो कास्टिंग का होता है, जो नूर भाई ने की है, फाड़ देगा। आपने बोला यूनिक है, यस, नाम है टॉकर हाउस, तो कहीं ना टॉकर हाउस, अरे ये तो सिमिलर होगा बिग बॉस हाउस। नहीं, नथिंग नथिंग है, क्या होगा, टास्क होंगे, क्या होगा, कुछ भी अभी हम लोग बता नहीं सकते। अगर अभी आमिर बट यही बोल सकता हूँ कि बहुत ही डिफरेंट है, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही यूनिक होने वाला है। आ गया हमारे आमिर अरब, बहुत ही बेहतरीन डांसर टॉकर्स हाउस के। और राइट साइड से भाई आमिर अरब, और आज हम आए टॉकर हाउस के सॉन्ग टाइटल सॉन्ग के ऊपर। जितने भी लोग देख रहे हो ना, ये लोग बॉम है, इतना अच्छा एक्ट कर रहे, इतना अच्छा मतलब डांस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी कि ये सॉन्ग देखने के लिए, और ये जो आने वाला है ना बहुत बड़ा है गाइस। मैं फिर से उस क्वेश्चन पे आऊँगा, हाउस में आप सारे लोग रहेंगे, 30 के 30 लोग हैं, 30 पर्सनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, हर एक अपने व्यूज हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, तो ईगो क्लैश ऑफ मतलब ईगोज होगा, क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, आपको लगता है कैसे प्रिपेयर किया? लड़ाई झगड़ा तो ईजी, लड़ाई झगड़ा, फ्रेंडशिप, दोस्ती, गुस्सा, वो सब तो होने ही वाला है, एक साथ रहेंगे वो भी इतने बड़े सेलिब्रिटी सारे। फ्रेंड्स लोगों को ऐसा है कि हम लोग उनको 15 सेकंड या 1 मिनट तक वो लोग हमको देख पाते हैं। हाँ। तो उन लोगों को पता नहीं कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है। तो गाइस सबकी असलियत खुलने वाली है। एग्जैक्टली, अब खुलने वाले हैं, झगड़े होते रहेंगे, दोस्ती होती रहेगी, 15 सेकंड में तो सब, आप लोगों को सिर्फ मजे लेने। ओके, अब मुझे लगता है कि सबके रियल फेसेस सामने आने वाले हैं, सो लेट्स सी। सिनेमा ऐप पे होने वाली है। समीर, आपसे बात कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी लेके जाएंगे टॉकर्स हाउस में? बाल ऐसे रखेंगे? बाल ऊपर खड़े, नीचे खड़े, हर जगह पे खड़े रखूंगा बालों को। और स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं मेरी, जो जैसे वैसे जाएंगे। हाँ, जैसा हूँ मैं, जो रियल हूँ वही दिखाने वाला उधर। और वहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन रहेगा, क्या रहेगा? मैं कॉम्पिटिशन में किसी को नहीं मानता मेरा। मैं अपने आप को मानता हूँ, आई एम द बेस्ट। कंपटीशन में उतरता ही नहीं हूँ, मैं अकेले जाता हूँ। क्या होता है इसके ऊपर, मैं एक शेर बोलता हूँ, आप सुनो। ये समीर हमारे माँ बहुत बड़े, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि खुद ही से है जंग मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। यहाँ का हर एक टिकटॉकर, यहाँ का हर एक जो कंटेस्टेंट यही सोचता है। ये ताज के पत्तों के जोकर है, ये बाजी बना और बिगाड़ दोनों सकते हैं किसी के भी। सोच लो आप, इसराइल भाई से पूछ लो हमको, इनको कास्ट करने में, इनको ढूंढने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओ माय गॉड, आई एम सेट, मैं कुछ बता नहीं सकता, मुझे बहुत खुशी मिली, मतलब सभी लोग मेरे बारे में मतलब बढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मिल रही। तो मैं कुछ आप लोगों से बता नहीं सकता। कास्टिंग तुम्हारी किस्मत कैसे,
अभी तो कौन लेके आया मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कैसे आया कैसे नहीं आया।